हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एड सेकर इंटरनेशनल। आज मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जो लोग अपना स्लॉट्स बुक नहीं कर पाए, जो बल्क स्लॉट ओपन हुए थे, वो अब आगे नेक्स्ट क्या करें। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल लाइक टू थैंक कि आपने मेरी पिछली वीडियो पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया और उस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भी करे सो दैट व्हाट दे शुड डू अबाउट बुकिंग द स्लॉट। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि उनको मैं अच्छे से उनको रिजॉल्व कर सकूँ उनकी क्वेरीज को। आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगी हो तो आप मेरे को फिर से व्हाट्सएप कर सकते हो सो दैट योर प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो स्लॉट्स बुक करना चाह रहे थे बट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, या तो उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया था या उनको जो टाइम नहीं मिल गया या इफ दे वर नॉट अवेयर अबाउट द स्लॉट्स, वो स्लॉट्स बुक नहीं कर पाए। सो देवर आस्किंग, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज किया, सर व्हाट कैन आई डू, आई हैव मिस्ड द बल्क स्लॉट ऑप्शन, बट अब मुझे क्या करना चाहिए, हाउ कैन आई बुक माई स्लॉट एंड हाउ कैन आई गो फॉर माई स्टडी। सो हेयर इज़ अ सोल्यूशन फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट। जो आपके बल्क स्लॉट्स हैं वो फिर से एक बार ओपन होने जा रहे हैं। दे आर आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट द टाइमिंग्स बट मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड पे वो फिर से स्लॉट्स को ओपन करने जा रहे हैं। एंड उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने स्लॉट्स होंगे, वी आर नॉट कन्फर्म्ड अबाउट इट बट इट कैन वेरी, इट कैन बी मोर देन द प्रीवियस बल्क स्लॉट और इट कैन बी लेस देन द प्रीवियस बल्क स्लॉट, बट दे आर कन्फर्म्ड, श्योरली दे आर गोइंग टू ओपन द बल्क स्लॉट्स अगेन फॉर द F1 स्टूडेंट्स और द स्टूडेंट वीज़ाज, या M हो या J हो, कोई भी कैटेगरी हो, हर स्टूडेंट वीज़ा के लिए वो ओपन करने जा रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप इसको मिस ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई विल ट्राई कि मैं आपको इमीडिएटली, जैसे बल्क स्लॉट ओपन होते हैं इमीडिएटली आई विल ट्राई कि आई विल मेक अ वीडियो, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था पिछली वीडियो पे। अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं, लास्ट टाइम जब पूरी यूट्यूब में मेरी सबसे पहले मेरी वीडियो आई थी जब भी बल्क स्लॉट्स ओपन हुए थे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई विल अपलोड अ वीडियो व्हेन एवर द बल्क स्लॉट ओपन। अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि जब भी आप अपने बल्क स्लॉट या स्लॉट्स को आप बुक करना चाहते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि आपने एक ही टाइम पे अपने रिफ़्रेश नहीं करना है, मैक्सिमम रिफ़्रेश नहीं करना है। ट्राई करो कि आप उसको एटलीस्ट 4 to 5 hours के बाद उसको ट्राई करो। फॉर इंस्टेंस आपने अभी ट्राई किया तो नेक्स्ट ट्राई आप जो करोगे एटलीस्ट 4 to 5 hours के बाद करो, सो डैट आपकी जो लिमिट है चेक करने की, रिफ़्रेश करने की, वो ख़त्म ना हो जाए। बिकॉज अगर आपकी लिमिट ख़त्म हो गई और देन उसके बाद स्लॉट्स ओपन हो गए, यू विल मिस द चांस एंड यू विल हैव टू गो फॉर द another intake and you have to go wait for the other bulk opening. So make sure कि आप इस चीज़ को ना करें, इसको avoid करें, just cool down, slots बहुत सारे open होंगे and you will get a slot confirmed है, but make sure कि आप बार बार उसको refresh ना करें, make sure कि आप उसको आराम से लें, take a deep breath and then उसको slot booking करने शुरू करें और बीच में time ज़रूर डालें। अगर आप कंटिन्यूसली आप उसको करते रहोगे देन देर चांसेस कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए एंड इट विल बी वेरी बैड थिंग अगर आप अपना अकाउंट ब्लॉक कर लेते हो। नेक्स्ट देर विल बी नो चांस फॉर ओपनिंग द स्लॉट्स एंड ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा, दिस विल बी द सेकंड चांस। सो मेक श्योर कि आप ये चांस अपना पूरा यूज़ करें एंड डोंट मिस दिस चांस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज केसेस जो रिफ्यूज़ हो चुके हैं रिसेंटली। मेरे पास बहुत ज़्यादा ने मैसेज किया था जब मैंने पिछली वीडियो डाली कि सर मेरा अप्रैल में रिफ्यूज़ हुआ है, मेरे मई के स्टार्टिंग में रिफ्यूज हुआ है, मेरे मार्च में रिफ्यूज हुआ है, हाउ कैन आई बुक ए स्लॉट। तो आई वॉन्ट टू टेल दोज पीपल कि अभी जो स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं दीज आर नॉट फॉर द रिफ्यूज केसेस, दीज आर ओनली फॉर द फ्रेश केसेस, जो फर्स्ट टाइम अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ये स्लॉट सिर्फ उनके लिए हैं। बट आपके स्लॉट्स कब ओपन होंगे, वो होंगे आपके अगस्त में। एज डॉन हैफलिन है जो मिनिस्टर ऑफ कॉन्सुलेट्स हैं, उन्होंने लाइव सेशन में आके बताया था कि ये जो स्लॉट्स हैं ये सिर्फ फ्रेश केसेस के लिए हैं, जो रिफ्यूज्ड केसेस हैं उनको वेट करना पड़ेगा, दे हैव टू वेट टिल द अगस्त। इन द मिड ऑफ द अगस्त दे विल प्रोवाइड द स्लॉट्स एंड दे हैव ऑल्सो प्रोमिस टू प्रोवाइड एटलीस्ट 15,000 स्लॉट्स फॉर दोज पीपल हु हैव बीन रिफ्यूज्ड रिसेंटली। सो मेक श्योर कि आप उस टाइम पे रेडी रहें, अपने प्लानिंग्स उसके अकॉर्डिंग ही करें,
बट आई वुड रिकमेंड यू कि इवन दो उन्होंने कहा है कि आप आपके जो रिफ्यूज केसेस हैं वो अगस्त में ओपन होंगे, बट इवन दो आई वुड रिकमेंड कि आप चेक करते रहो, मे बी देयर कुड बी एनी चांसेस, अगर उनका कोई अपडेट आता है तो वो बीच में मे बी एक थोड़े से स्लॉट्स ओपन कर दें, सो मेक श्योर आप चेक करो। लेट्स टॉक अबाउट B1 एंड B2 वीज़ा कैटेगरी। B1 B2 वीज़ा कैटेगरी के बहुत सारे एप्लीकेंट थे जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था, बट उस टाइम पे कोई अपडेट नहीं होने के कारण आई कुडंट टेल देम कि व्हाट टू डू, बट अभी क्या है कि अभी देयर आर एक्सपेक्टेशंस, आई एम नॉट predicting the thing, their expectations according to my experience that they will open the slots in the mid on the starting of the June after जब ये जो अभी slots open कर रहे हैं student visa के लिए, इसके बाद वो B1 B2 को time देंगे, so make sure कि आप updated रहें और channel को subscribe कर दें। I will update on and I will make a video on it and upload it here on the YouTube channel, आप मेरे channel को subscribe कर दें। So this was all about the video, if you like this video do hit the like button and if you are new to this channel just hit the subscribe button so that you don't miss any immigration update in the upcoming days, thank you।